हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पार्ट 3 के बारे में। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अब किसी भी प्रकार के ऑनलाइन काम कराए घर बैठे और पाए सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल पर। जी हाँ, अब जितने भी ऑनलाइन वर्क है आप घर बैठे करा सकते हैं। उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और उसके बाद अपना काम घर बैठे कंप्लीट करा सकते हैं ऑनलाइन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोग के लिए कि चिन्हात्मक डाटा अर्थात अल्फान्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो अल्फान्यूमेरिक डाटा में क्या प्रयोग किया जाता है? चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अंकों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, अल्फान्यूमेरिक डाटा में चिन्हों का, अंकों का, अक्षरों का, तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम ऑफ यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी का। माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी। तो एग्जाम में ये जनरली पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये है माइक्रो प्रोसेसर जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंटेल कंपनी का जो है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर आपको दिखाया जा रहा है इमेज में। ये मार्केट में बहुत सारे कंपनी का मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो कोर होता है, ठीक है, ये जितने ज्यादा कोर का होता है उतना ही ज्यादा अच्छा होता है प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ये प्रोसेसिंग करता है सीपीयू में। ठीक है, किसी भी चीज को इसी के थ्रू प्रोसेस किया जाता है प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है, तो ये जितने ज्यादा कोर का होगा, जैसे कि यहाँ पे i7 कोर का है, ठीक है, तो ये मार्केट में i2, i3, i4, i7 ऐसे नंबर बढ़ते जाता है और जितने ज्यादा ये कोर का होता है उतना ही ज्यादा इसका प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होता है। ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारे प्रकार के आते हैं, कभी भी कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करना हो तो आप एक बार प्रोसेसर को भी देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है और बाकी जो है आउटपुट है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है आउटपुट और इनपुट ये जो है एजुकेशनल और कंपटीशन एग्जाम दोनों में पूछे जाते हैं, तो दोनों एग्जाम ऑफ यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है गुण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि बुद्धिहीन। कंप्यूटर बुद्धिहीन बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर जल्द निर्णय लेने की क्षमता रखता है, कंप्यूटर में विविधताएं हैं, कंप्यूटर गोपनीयता रखता है। ठीक है, लेकिन बुद्धिहीन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि बुद्धिहीन। ठीक है, कंप्यूटर का ये गुण नहीं है। ओके, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? ECS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ECS का फुल फॉर्म होता है। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो एग्जाम ऑफिस से ना जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में जनरली ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था सर्वप्रथम पंच कार्ड का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। ठीक है, ये है इमेज में जोसेफ मेरी जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्हीं ने क्या किया था? पंच कार्ड का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और ये है इमेज में पंच कार्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने पहली बार किया था, तो आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो किसने किया इसका विकास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि जे एस किल्बी ने इंटीग्रेट सर्किट का जो चिप होता है उसका विकास किया। तो आपको याद में रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ग्रीन प्लेट पे जो ब्लैक कलर का जो लगा हुआ है, ठीक है, यही है इंटीग्रेट सर्किट। ठीक है, एक कंप्यूटर के लिए एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इंटीग्रेट सर्किट का विकास जे एस किल्बी ने किया, तो आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये है जे एस किल्बी जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इन्होंने ही इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि फाइल। ओके फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन जो होता है वो कहलाता है फाइल, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सूचना, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, और सूचना का जो कलेक्शन होता है, जो समूह होता है, संग्रह होता है, उसको क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली ये आम बात है, इसको एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है इथरनेट, इथरनेट संबंधित है, क्या है संबंधित इथरनेट से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि लैन, ठीक है। लैन मीन्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, और ये जो लैन है इथरनेट से संबंधित होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा, कौन डेटाबेस से संबंधित है, तो कौन डेटाबेस से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है डेटाबेस से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, पहली बार चैनल में आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको डायरेक्ट मोबाइल में मिल सके, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कहिए कि आपको किस टाइप से वीडियो चाहिए, ठीक है, तो मैं उस तरह से वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इतने ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।